अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मॉम्स किचन, जिसमें आज बन रहा है खोया। खोया बनाने के लिए आपको चाहिए 1 लीटर दूध, जो कि आप एक नॉन स्टिक या हैवी बेस्ड पैन में डालोगे। और जो पैन है वो आपका थोड़ा हैवी बेस्ड होगा तो इट्स रिकमेंडेड। तो उसमें दूध जब तक बॉयल नहीं हो जाता, आप इसमें मसाला चम्मच चलाते रहो ऑफ एंड ऑन, और इसको जब तक ये बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं आता। और जब बॉयल हो जाएगा तो आप इसको मीडियम लो हीट पर करके इसको कुक होने दोगे ऑलमोस्ट फॉर 1:45 to 1 hour, क्योंकि बेसिकली इसको दूध ने होना है रिड्यूस। और जब ये रिड्यूस होगा तो आज यू कैन सी कि ये इसकी जो मलाई है ये ऊपर आएगी। वो आप सारी सेंटर्स को उतार लो, उसको स्क्रैप डाउन कर लो और इस तरह से आप इसको कुक होने दो। अब इसको कुक होते हुए तकरीबन 30 to 40 minutes हो चुके हैं और अब आप देख रहे हो कि काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। अब इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर डाला है 1 चम्मच घी। आप बटर भी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। और इसको इसमें डालने का ये फ़ायदा है कि जब ये बिल्कुल अब ड्राई होगा ना तो ये नीचे नहीं लगेगा पैन की बेस पे। वो 1 लीटर दूध जो हमने तकरीबन 40-45 minutes, 50 minutes कुक किया था, उसकी ये वाली कंडीशन हो गई है। बस अब आपने इसको हल्का सा और कुक करके अच्छे से चम्मच आप चम्मच चलाते रहिएगा वरना ये नीचे लग जाएगा। 4 से 5 मिनट आप इसको इस तरह से कुक करोगे ना, इसमें घी आपने जो डाला है वो इसको नीचे लगने नहीं देगा। अब इस कंडीशन में आपकी ये आ गई है। अब इसको आप क्या करोगे, डिश आउट कर लोगे और इसको ठंडा करो और इस्तेमाल करो। और आप इसको फ्रीज भी कर सकते हो फॉर अप टू 2 weeks, और आप फ्रिज में भी रख के 3 से 4 दिन इस्तेमाल कर सकते हो। सो इट्स रेडी। थैंक यू।